बेटा का मंगलसूत्र डाल दे दे का मांग तो भर दे दे दे। गुना में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस कस्टडी में एक पारदी युवक की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही युवक के परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। दरअसल रविवार को गुना पुलिस ने डकैती के केस में युवक और उसके चाचा को पूछताछ के लिए पकड़ा था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। दूल्हे को हल्दी लगाई गई थी, नया सूट पहनकर दूल्हा तैयार था। जिस घर में बारात ले जाने की तैयारी थी उस घर में पुलिस अधम की और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। अब शादी वाले घर में मातम पसरा हुआ है क्योंकि पुलिस कस्टडी में दूल्हे की मौत हो गई है। परिजनों ने म्याना थाने की TI संजीत मावई पर युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजन TI पर FIR की मांग कर रहे हैं। संतोष तिवारी बंटी एक साहब है, बंटी वो आने पुलिस वाले भी हैं। क्या की किनारे वो 3-4 जने एक गाड़ी से आके मेरे मंडप में से बच्चा था साहब, वो लाड़ी गुपराने का आज का दिन था साहब, वो ले गया मेरे बच्चे को। अच्छा आज के दिन बारात थी हजूर, वो साहब आज के दिन बारात थे। जाके ले गए सर जागर में, उनको रह के हम गए थे जागर में, पर उसने मिलने नहीं दिया, हमको मार के भगाए। उसके चाचा का पता ही नहीं है, वो तो अटपट मार रहे हो जागर के थाने में, हमको अंदर नहीं घुसने दिए। मामला तो हमको नहीं पता, वो तो 5 लाख रुपए मांग रहे थे सर। 5 लाख रुपए सर, कल बारात आने वाली थी मेरी, वो बोल रहा है कि 5 लाख दे दो मैं देवा को छोड़ दूंगा। मामला तूल पकड़ने के बाद अब इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश हो गए हैं। पुलिस अधिकारी की माने तो इस मामले में जांच हो रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। ग्राम बेडेरा थाना म्याना क्षेत्र में एक विगत दिनों चोरी हुई थी, उस मामले में संदेही देवा और गंगाराम इनको पुलिस पकड़ के लाई थी, जिसको पूछताछ करके कल शाम को करीब 6 बजे रिकवरी है तो ले जा रहे थे, उसी दौरान उसको सीने में दर्द हुआ, तत्काल अस्पताल म्याना में उसको ले गए। वहाँ डॉक्टर नहीं होने से जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया। यहाँ करीब 6 बजे भर्ती किया गया, करीब 45 मिनट यहाँ पर ट्रीटमेंट चला, CPR दिया गया, ECG कराई गई, लेकिन वो बच नहीं पाए। और परिवारजनों का ये आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से मारपीट से उसकी डेथ हुई है। अभी डॉक्टरों की टीम से उसके PM कराया जाएगा, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हुए हैं। देर रात पुलिस ने परिजनों को शव का पोस्टमार्टम करने के लिए समझाइश दी थी, लेकिन अस्पताल के बाहर लगातार हंगामे के बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, जिसके बाद पुलिस ने जिला अस्पताल को अपने कब्जे में लेकर छावनी में तब्दील कर दिया है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, NP तक।